स्पिन क्रॉसओवर्स जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू दी टेनेबो सुगानो डायग्राम्स। तो कुछ ये क्योंकि टेनेबो सुगानो डायग्राम से रिलेटेड है इसलिए हम उसी के कंटिन्यूएशन में इसको पहले पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो स्पिन क्रॉसओवर्स क्या होते हैं? जनरली स्पिन क्रॉसओवर मींस स्पिन ट्रांजिशन, स्पिन ट्रांजिशन या स्पिन इक्विलिब्रियम। जैसे आप पढ़ते हैं कि ये दो स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही आप देखेंगे कि दो स्पिन स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। तो जब दो स्पिन स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम स्पिन ट्रांजिशन या फिर स्पिन इक्विलिब्रियम कहेंगे। अभी आप देखेंगे हम इसे ट्रांजिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज होगा, इसलिए ये स्पिन ट्रांजिशन है। और स्पिन इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दो स्पिन स्टेट दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो इस उसी जगह पर क्या होगा, उस पॉइंट के बाद स्पिन में ट्रांजिशन होगा। तो स्पिन क्रॉसओवर्स दे आर आल्सो नोन एज स्पिन ट्रांजिशन एंड स्पिन इक्विलिब्रियम। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैम्बी एट ऑल। कैम्बी एट ऑल ने 1931 में इसको डिस्कवर किया है स्पिन क्रॉसओवर्स को। और जनरली ये जो होता है स्पिन क्रॉसओवर, ये D4 से D7 कॉन्फिगरेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जनरली मिलता है। ये क्यों मिलता है ये भी आप देखेंगे, तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 होगा। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि जो D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर जो ग्राउंड स्टेट है वो अगर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा तो अलग होगी और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा तो अलग होगी। तो बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 टू D7 कॉन्फ़िगरेशन, सो दीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे शो स्पिन क्रॉसओवर और स्पिन ट्रांजिशन और स्पिन इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे टेनेबो सुगानो डायग्राम में इन सब कॉन्फ़िगरेशंस में आपने देखा था कि एक ऐसी डेल्टा ओ अपॉन वी की वैल्यू थी जहां पर कि हाई स्पिन स्टेट जो ग्राउंड स्टेट थी वो अलग थी और जो लो स्पिन एक्साइटेड स्टेट थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। जो हाई स्पिन ग्राउंड स्टेट थी वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में। आपने इस तरीके से देखा था, अभी आप देखेंगे भी कि ये जो यहां पर इस एक लाइन आपने देखी थी और आपने देखा था कि ये जो स्टेट एक ग्राउंड स्टेट थी लो, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये आगे जाके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये एक्साइटेड स्टेट बन गई थी। तो यहां पर आपने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आपको दिखाई दिया डेल्टा ओ अपॉन बी जहां पर आपने देखा कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म यहां थी वो ग्राउंड स्टेट टर्म यहां जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वहां पर आके, या जिसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कह रहे हैं, तो इनके केस में ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गई और ग्राउंड स्टेट कुछ और हो गई। तो ये एग्जांपल दिखाया है D6 कॉन्फिगरेशन का। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो लो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहां पर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में T2G जो थी 5T2G इट इज अ ग्राउंड स्टेट टर्म, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट आफ्टर दिस 20 डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू 20 है और यहां के बाद आपने देखा कि ये जो 5T2G थी एक्साइटेड स्टेट हो गई और इसकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन आपने देखा कि एक जो ऐसी स्टेट थी A1G वो देखिए आपने जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस थे उनके केस में ये डिक्रीज हुई, एक मिनिमम अटेन किया और उसके बाद ये क्या बन गई, ग्राउंड स्टेट टर्म बन गई। तो एक्चुअल में जो ये लेफ्ट हैंड साइड है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के केस में आप जानते हैं कि जो डिफरेंस है T2G एंड EG के बीच का, ये डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, ये क्या है, डेल्टा ओ। और अगर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये जो डिफरेंस है T2G और EG के बीच का ये क्या होता है, हाई होता है, तो ये डेल्टा ओ है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहां पर जो डेल्टा ओ है वो हाई है। डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, हायर होती है इन कॉम्प्लेक्सेस की जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन अगर हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जिन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो वहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है। तो आप ये देखेंगे यहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू इतनी कम होती है और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो पेयरिंग एनर्जी हाई होती है इसलिए यहां पर पेयरिंग नहीं होती, लेकिन यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम होती है इसलिए यहां पर पेयरिंग हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा कि अगर मैं D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहां पर जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से अरेंज्ड रहेगा, लेकिन यहां पर जो जो वीक फील्ड में जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से अरेंज रहेगा कि ये क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंस कम है इसलिए यहां पर पेयरिंग एनर्जी अधिक है और पेयरिंग नहीं हो रही है, और यहां पर पेयरिंग हो रही है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है और आसानी से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है। लेकिन एक ये पॉइंट ऐसा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट
जहां पर डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू क्या है 20 है इन केस ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन। ये अलग अलग थी, कहीं पर 22 थी, कहीं पर 28 थी, तो ये अलग अलग है। अगर फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर ये 20 है तो वहां पर आप देखेंगे डेल्टा ओ पी के बराबर हो जाता है। और जब डेल्टा ओ पी के बराबर हो जाता है तो ना आप उसको हाई स्पिन कह सकते हैं ना आप उसको लो स्पिन कह सकते हैं, क्योंकि आप उसे हाई स्पिन तब कहेंगे जब डेल्टा ओ कम होगी और पी अधिक होगी। आप उसे लो स्पिन तब कहेंगे जब डेल्टा ओ अधिक होगी और पी कम होगी। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू पी के बराबर हो जाती है, और उस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि दोनों स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगी, यानी हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन, यानी दे आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, दीज टू स्पीसीज दे आर इन इक्विलिब्रियम, और इसको हम कहते हैं स्पिन क्रॉस ओवर, या हम कह रहे हैं कि इसको स्पिन इक्विलिब्रियम। यहां पर दोनों स्पीसीज क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होगी, इसके आगे वो क्या हो जाएगी लो स्पिन, और इसके पीछे वो क्या होगी हाई स्पिन, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों स्पीसीज में कोएग्जिस्ट, दोनों स्पीसीज कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रही हूं एक्चुअली डिफरेंस इन बिटवीन सम कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना दिखाएंगे और जो नहीं दिखाएंगे। तो मैंने आपसे कहा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली 3D सीरीज के, वो क्या होते हैं, वो हाई स्पिन भी हो सकते हैं, लो स्पिन भी हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है और लिगेंड कैसा है। तो अगर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो हाई स्पिन होंगे, और अगर वीक है तो लो स्पिन होंगे। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं 4D एंड 5D सीरीज के, वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जनरली वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूं निकिल की, पैलेडियम की और प्लेटिनम की, तो यहां पर क्या होता है निकिल जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है और वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, लेकिन इन केस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि ये 4D और 5D के जो मेंबर है उनके केस में ये जो डिफरेंस है हमेशा हाई होता है। इसलिए एक ही तरीके के कॉम्प्लेक्स जो शो करेंगे वो कभी भी स्पिन क्रॉसओवर शो नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहां पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है हमेशा कम होती है और पेयरिंग एनर्जी हमेशा अधिक होती है, बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, सो अगेन दे डू नॉट शो स्पिन क्रॉस ओवर। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जान सकते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर कौन दिखाएंगे, जो 3D सीरीज के मेंबर्स होंगे केवल वो स्पिन क्रॉसओवर दिखाएंगे, क्योंकि वो हाई स्पिन भी हो सकते हैं और वो लो स्पिन भी हो सकते हैं। लेकिन जो 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक ही तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसलिए वो स्पिन क्रॉसओवर शो नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 3D सीरीज दे कैन शो द स्पिन क्रॉसओवर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जो Fe2 कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, दिस इज D6, ये कैसा है D6 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो जो Fe2 कॉम्प्लेक्स है विद ऑर्थोफिरेंथ्रोलीन, यानी THEN हम इसे लिखते हैं, या 3478 टेट्रामिथाइल 110 फिनेथ्रोलीन, जिसको हम THEN लिखते हैं, और डाइफिनाइल टर्पाइरिडिन लिगेंड्स, ये स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना शो करते हैं। मतलब आयरन सेकेंड के कॉम्प्लेक्स इस तरीके के लिगेंड्स के साथ, जैसे ये ऑर्थोफिनेथ्रोलीन है। Fe2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम पढ़ रहे थे जहां पर हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं फिनेथ्रोलीन, एंड फिनेथ्रोलीन का जो सब्सटीट्यूशन है उसका, वो जो लिगेंड्स हैं जैसे डाइफिनाइल टर्पाइरिडिन लिगेंड्स एंड टेट्रामिथाइल 110 फिनेथ्रोलीन, जो कि ये कंपाउंड है, देन ऑर्थोफिनेथ्रोलीन, इनके साथ जो Fe2 कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, दे शो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना, और एक लिगेंड ये है जो कि स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना दिखाता है, और स्पेशली ये कॉम्प्लेक्स है आयरन का कॉम्प्लेक्स जिसमें कि आप देख रहे हैं फिनेथ्रोलीन लिगेंड है और NCS लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड्स जब प्रेजेंट होंगे तो ये स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना दिखाएगा, एंड दिस फिनोमिना इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट। ये जो फिनोमिना है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते ही जो है वो स्पिन स्टेट चेंज हो जाती है, प्रेशर चेंज करते ही स्पिन स्टेट चेंज हो जाती है, वो एक ही पर्टिकुलर स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो एट लोअर टेम्परेचर वो एक स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और एट हायर टेम्परेचर वो एक स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये
दोनों स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और अगर उस टेम्परेचर से कम करेंगे तो एक डिफरेंट स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और उससे ज्यादा करेंगे तो एक डिफरेंट स्पिन स्टेट में ये प्रेजेंट रहेगा। जनरली क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और लो टेम्परेचर पर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बताया आयरन का फिनेंथ्रोलिन के साथ, वो जो कॉम्प्लेक्स है 175 पर दोनों फॉर्म में रहता है, उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि स्पिन क्रॉसओवर शो करते हैं वो हाई टेम्परेचर पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पे दे एग्जिस्ट एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दे एग्जिस्ट एज बोथ, वो दोनों की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे इस फिनोमिना को इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, आयरन के कॉम्प्लेक्स में जहां पर दो तरीके के लिगेंड्स हैं, फिनेंथ्रोलिन भी है और एनसीएस भी है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि जो कर्व है यहां से आप देखिए कि जैसे 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 ये जो कर्व है ये खींचा गया है टी एंड म्यू के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लोअर टेम्परेचर पे यानी 100 के आसपास ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया इसकी जो म्यू है वो बढ़ेगी, और म्यू उसके बाद आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद म्यू जो है वो फिर से जो है वो लगभग बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये एक लो स्पिन की तरह एग्जिस्ट करेगा, इस एरिया में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करेगा, और ये जो एक सीधी लाइन है जहां पर आप देख रहे हैं कि जो म्यू है वो तो इंक्रीज हो रही है पर टेम्परेचर जो है वो वहीं पर है, टेम्परेचर इज अबाउट 175 केल्विन, तो यहां पर ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी इसकी हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन। तो इसको हम स्पिन ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि लो स्पिन से ट्रांजिट होकर हाई स्पिन में कन्वर्ट होता है, तो देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर आप देखेंगे अगर मैं Fe2 की बात करूंगी तो यहां पर क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 के 6 पेयर्ड होंगे, क्योंकि ये एक क्या है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, और यहां आप देखेंगे कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डिफरेंस जो है कम होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। तो यहां पर जो स्पिन है वो इसकी 2 है और यहां पर जो स्पिन है वो 0 है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आप पर्टिकुलरली देखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कॉम्प्लेक्सेस है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन। तो इस तरीके से लो टेम्परेचर पर लो स्पिन और हाई टेम्परेचर पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जो कि स्पिन पेयर थे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर क्या हुआ जैसे आपने उसको टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यू हैव गिवन द सम एनर्जी, आपने कुछ एनर्जी दी, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे ये अनपेयर हो जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है और वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और जब लो टेम्परेचर होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। अब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्पिन क्रॉसओवर्स की स्टडी कर सकते हैं? स्पिन क्रॉसओवर की स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टडी की गई है कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्पिन क्रॉसओवर शो करता होगा। तो उसमें से पहला मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम अभी देखेंगे, जो कि हमने पहले आपने पढ़ा भी होगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमें हम इससे हमें क्या मिलता है, कर्व मिलेगा। इफ वी प्लॉट अ कर्व बिटवीन दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर देन वी फाइंड 3 काइंड ऑफ कर्व्स, हमें 3 तरीके के कर्व मिल सकते हैं। एक हमें कर्व मिल सकता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व। तो अगर हमें ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व मिल रहा है जहां पर आप देखेंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये जो कर्व है हमने टेम्परेचर और काई एम एंड टी के बीच में खींचा है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि ये कर्व आपको इस तरह एस कर्व दिखाई दे रहा है आपको, और जो इंक्रीज है काई में, एक्चुअली अभी आप देखेंगे कि जो काई है इट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट के प्रोपोर्शनल ये होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काई की वैल्यू इंक्रीज होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेंज पर ये वैल्यू जो है वो आप देखेंगे यहां पर वो वैल्यू बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और फिर आप देखेंगे कि वो एक कांस्टेंट की ओर चले जाती है। तो ये जो कर्व है यहां पर एक रेंज है 170 से लेके 180 के बीच में, जहां पर स्पिन ट्रांजिशन होता है, जहां पर स्पिन में ट्रांजिशन होगा। 170 से नीचे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, और 180 के ऊपर ये प्योरली हाई होगा, और इस रेंज के बीच में लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों में होगा। तो इस तरीके का कर्व किस तरीके के
के स्पिन क्रॉसओवर कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है। ये किस पे मिलता है? ये वहां पर मिलता है जहां पर मेटल सेंटर्स आर नॉट अंडरगोइंग द ट्रांजिशन साइमल्टेनियसली। मान लीजिए कि एक मेटल कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक स्पिन क्रॉसओवर के, ये एक मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है और इस ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर हम लेंगे तो इसमें एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एन नंबर ऑफ एम मान लीजिए एम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स में से मान लीजिए हमने कहा कि एम मॉलिक्यूल्स है, तो एम में से मान लीजिए कि 20 जो है वो यहां ट्रांजिट किए, धीरे धीरे ये जो है लो से हाई में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो यहाँ क्या होगा कि इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो एक साथ ट्रांजिट नहीं होते हैं। इस तरीके के कर्व में जब ग्रेजुअल की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि थोड़े यहां पर होंगे, थोड़े यहां पर ट्रांजिशन होना शुरू होंगे, यहां पर ट्रांजिट होना शुरू करेंगे और फाइनली जाके फिर 100% जो है वो उनमें उनकी स्पिन में ट्रांजिशन होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पिन में ट्रांजिशन हो सकता है, फिर कुछ की हो सकता है, फिर कुछ की हो सकता है। तो ऐसे आप देखेंगे ग्रेजुअल चेंज होगा स्पिन स्टेट में, तो हमें इस तरीके का कर्व दिखाई देगा। दूसरे तरीके का जो ट्रांजिशन कर्व है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जहां पर एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व मिलेगा। तो इस तरीके में आप देखेंगे कि देखिए एकदम से चेंज हुआ, यहां पर आप देखेंगे एकदम जो चेंज है वो फास्ट है, एकदम से सीधी लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर जो आपने कर्व देखा वहां पर आपने देखा ये स्लो चेंज है। स्लो चेंज का मतलब यही है कि कुछ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, उनकी स्पिन में चेंज हो रहा है, लेकिन एब्रप्ट का मतलब है कि यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल की स्पिन स्टेट एकदम से चेंज हो जाएगी। तो यहां पर जो रेंज है वो बहुत कम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पर, यहां पर रेंज आप नहीं देखेंगे बल्कि यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप देखेंगे जिसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन से हाई स्पिन में ट्रांजिट हो जाएगा। तो ये दूसरे तरीके की कैटेगरी है। और तीसरे तरीके की कैटेगरी है जहां पर टू स्टेप ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा, आपको दो कर्व दिखाई देंगे, एक कर्व तो आपको ये दिखा और एक कर्व आपको ये दिखा। इसका मतलब है इसमें दो टाइप के मेटल सेंटर होंगे, जो एक मेटल सेंटर ये दो मेटल सेंटर होंगे, मतलब दो मेटल होंगे उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, यानी डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा और वहां पर एक कॉम्प्लेक्स तो यहां पर ये स्पिन क्रॉसओवर शो करेगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स यहां पर स्पिन क्रॉसओवर शो करेगा। तो एक मेटल सेंटर पहले चेंज होगा उसका स्पिन और फिर दूसरे मेटल सेंटर का स्पिन चेंज होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो अगर हमें ऐसा प्लॉट मिलता है तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पिन क्रॉसओवर शो कर रहा है बट धीरे धीरे, तो हमें ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन कर्व अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि यहां पर भी स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना है लेकिन बहुत तेजी से, तो ये एब्रप्ट ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। और अगर इस तरीके का कर्व मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एक डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि इस तरीके से जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें चेंज होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के कर्व से हमें पता चल सकता है कि ये जो पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना शो कर रहे हैं उनमें कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होता है वो हम उसके कर्व से पता कर लेंगे। दूसरा तरीके का जो मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, तो मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स है या नहीं है जिसमें कि स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना होता है, तो वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे, आपने देखा कि हाई टेम्परेचर पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो सकते हैं आसानी से क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? ईजी में। इलेक्ट्रॉन आ गया ईजी में, और जब इलेक्ट्रॉन ईजी में आ जाएगा तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो ईजी है वहां पर ज्यादा रिपल्शन होता है, तो ईजी में ज्यादा रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहां ईजी में जब चले जाते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ईजी में रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ का बढ़ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये हमें दिख जाएगी। हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब देखेंगे, जब हम बात करेंगे कि मेटल और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड था NCS था, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर वो उसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होगी और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे,
ईजी में, टी टू जी में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी में होंगे, इसका मतलब कोई रिपल्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ईजी में जाते हैं तो रिपल्शन अधिक होता है, और जब रिपल्शन अधिक होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ी हुई हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख सकते हैं, इसका मतलब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर वो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, मतलब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सेम कॉम्प्लेक्स अगर ये दो फिनोमेना शो कर रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स में अगर हायर टेम्परेचर पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और लो टेम्परेचर पर बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पिन क्रॉसओवर शो कर रहा है। तो ये देखने के लिए हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं कि ये स्पिन क्रॉसओवर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तीसरा जो मेथड है जो कि जिसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो है मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम कैसे देखेंगे, देखिए, क्योंकि जो Fe2 और Fe3 है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो जो पीक सेपरेशन होता है दो पीक्स के बीच में वो कम होता है, और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो पीक सेपरेशन अधिक होता है। ये दो एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि Fe फिनेथ्रोलिन एंड X2 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये जो फिनेथ्रोलिन है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये लो स्पिन कंपाउंड बनाएगा। और आप इसके केस में देखेंगे, देखिए 5 केल्विन पर ये पीक्स सेपरेट तो हुई है, बट ये जो पीक्स है वो बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो कम है। यहाँ पर देखिए और टेम्परेचर बढ़ाइए और सेपरेशन कम ही है, इसके बीच में भी सेपरेशन कम है, यहाँ भी सेपरेशन कम है। तो आप देखेंगे 5 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में जो सेपरेशन है ये कम है, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे जहां पर दोनों तरीके के लिगेंड्स हैं, फिनेथ्रोलिन भी और NCS भी है, यहाँ पर फिनेथ्रोलिन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो NCS है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस केस में क्या होगा कि जब लो टेम्परेचर होगा तो ये जो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि दोनों तरीके के लिगेंड्स हैं, देन इट कैन शो स्पिन क्रॉसओवर, जिसको हम मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 77 केल्विन पर ये जो पीक्स हैं ये सेपरेट नहीं है बहुत अधिक, तो इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। टेम्परेचर बढ़ाया, 180 पर आपने देखा कि ये अभी सेपरेशन शुरू होने वाला है, और यहां पर देखिए 180 पर आप देखेंगे कि ये देखिए दो पीक्स नहीं आपको दिखाई दे रही यहां पर, ये तो इसका मतलब कुछ सेपरेशन हो रहा है। 186 पर ये सेपरेशन और बढ़ गया, और 300 केल्विन पर आपने देखा कि ये बिल्कुल सेपरेट हो गई, ये जो दो पीक्स थी ये बिल्कुल सेपरेट हो गई। तो अगर ये सेपरेशन बहुत अच्छा है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर ये सेपरेशन बहुत कम है तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपको मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रही है। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे इसकी स्पिन में चेंज होगा, और ये 77 केल्विन पर ये लो स्पिन है, 180 पर भी लो स्पिन है, लेकिन यहां पर ट्रांजिट होता है, यहां पर ट्रांजिशन है, देखिए 180 के आसपास, जो कि हमने 175 कहा था, तो उसके आसपास ट्रांजिशन है, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया है, और ये जो 300 केल्विन पर हमें क्या मिल जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमें इस तरीके की मॉस बार स्पेक्ट्रा मिल रहा है, मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पिन क्रॉसओवर शो करता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पिन क्रॉसओवर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो सेपरेशन है वो लगभग एक सा है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, मतलब जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और यहां पर कोई भी क्रॉसओवर मैकेनिज्म ये शो नहीं कर रहा है। तो बहुत अच्छा तरीका है मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पढ़ सकते हैं कि जो मैंने कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया है वो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर हम एप्लीकेशंस देखें कि स्पिन क्रॉसओवर क्यों पढ़ रहे हैं हम, स्पिन क्रॉसओवर की एप्लीकेशंस हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्पिन क्रॉसओवर जो फिनोमेना दिखाते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, इसकी वजह से कलर होता है इन कॉम्प्लेक्सेस का, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर यूज्ड इन मेमोरी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रा ल्यूमिनिसेंट डिवाइसेस। स्पेसिफिक इनका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सो दे आर यूज्ड एज फोटो स्विचेस, ये फोटो स्विचेस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। रीराइटेबल मेमोरी, जैसे आप कहते हैं डीवीडी है, रीराइटेबल है, तो रीराइटेबल मेमोरीज में ये यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि
एक पर्टिकुलर टाइम पर ये कॉम्प्लेक्स है, स्विचिंग ओवर है, तो आप देख सकते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में क्योंकि इक्विलिब्रियम है, सो दे कैन बी यूज्ड एज रीराइटेबल मेमोरीज एंड अगेन दे आर यूज्ड एज एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। तो यानी मेडिकल में भी इनकी इंपॉर्टेंस है स्पिन क्रॉसओवर्स की, इसलिए हम अगर कोई नया स्पिन क्रॉसओवर सिंथेसाइज करें तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्पिन क्रॉसओवर उसमें फिनोमिना है या नहीं। अगर उसमें फिनोमिना होगा देन वी कैन यूज दीज कॉम्प्लेक्सेस इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, इन फील्ड्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई विल रिवाइज दीज स्पिन क्रॉसओवर। एक्चुअली स्पिन क्रॉसओवर इज अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है जहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्पिन ट्रांजिशन हम इसे कहते हैं, स्पिन इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये पर्टिकुलर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगा जिसे कैम्बी एट ऑल ने 1931 में डिस्कवर किया और ये देखा कि जो D4 से D7 कन्फिग्रेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस है दे शो सच काइंड ऑफ फिनोमिना। और यहाँ पर फिनोमिना जो है आपने टेनेबस होगानो डायग्राम्स की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वहां पर आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर स्पिन क्रॉसओवर होगा। तो टेनेबो सुगानो डायग्राम की हेल्प से आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे दोनों तरीके के, लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन, जहां पर ये ब्रैकेज पॉइंट आपको दिखाई देगा। तो इस टेनेबो सुगानो डायग्राम की हेल्प से हम देख पाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर डेल्टा ओ अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 20 है या 28 है या 22 में भी पॉसिबल, जहां पर डेल्टा ओ इज इक्वल टू बी। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 3D सीरीज के मेंबर शो करते हैं, D4 से D7, 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये फिनोमिना शो नहीं करते हैं क्योंकि वो केवल एक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। 4D और 5D जो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आयरन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स के साथ दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो कि क्रॉसओवर फिनोमिना शो करते हैं। और ये जो क्रॉसओवर फिनोमिना है डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट। तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आपने देखा, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है जहां पर फिनेथ्रोलिन और एनसीएस लिगेंड है, दोनों तरीके के लिगेंड्स है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक वीक लिगेंड है। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस स्पिन क्रॉसओवर शो करते हैं। और ये आपने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे और एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा जहां पर दोनों जो फॉर्म है को एग्जिस्ट करेंगी। और इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करने के मेन तीन मेथड से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, अगर हम कर्व खींचेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में, देन हम देखेंगे कि तीन तरीके के कर्व मिल सकते हैं। अगर इन तीन तरीके के कर्व मिल रहे हैं तो इट मे बी द कॉम्प्लेक्स दैट शोज द स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना। तो एक कर्व है ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व, एक है एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व और तीसरा है टू स्टेप ट्रांजिशन। देन सेकंड मेथड इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बताती है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है क्या ये स्पिन क्रॉसओवर शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये हम देखेंगे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर बॉन्ड लेंथ को चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे और टेम्परेचर कम करने पर कम हो रही है, इसका मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना शो कर रहा है। फिर आपने देखा मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो कि बताती है कि ये दोनों के दोनों जो स्पिन स्टेट्स हैं ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अगेन। एंड इन केस ऑफ मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी इफ द सेपरेशन इज लेस देन इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इफ द सेपरेशन बिटवीन द पीक्स इज मोर देन इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये हम इस मॉस बार स्पेक्ट्रा से देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लोअर टेम्परेचर पर स्मॉल सेपरेशन दिखा रहा है पीक्स का, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ज्यादा सेपरेशन दिखा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब इसमें दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड शोज स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना। और यहाँ पर आपने देखा कि ये क्यों जरूरी है इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज दे आर यूज इन मेमोरी डिवाइसेज, रीराइटेबल मेमोरीज, MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करते हैं, जिसे हम स्पिन ट्रांजिशन भी कहते हैं, स्पिन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिन क्रॉसओवर्स। स्पिन क्रॉसओवर एक फिनोमेना है जो कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस पे पाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।